हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक माय चैनल अंजलि ब्लॉग आप सब कैसे हो आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और फ्रेंड्स आज मनी रोटी आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो आज लक आज मैं लकी का सब्ज़ी बनाऊँगी और एक इसी तरह एक बार बना के देखिए बहुत अच्छा लगेगा और जो नहीं खाने वाला होगा ना वो ज़रूर खाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये अलग टाइप का मैं बनाती हूँ प्रेशर कुकर में लेकिन इसमें ना आलू डालूंगी ना कोई दूसरा सब्ज़ी सिर्फ लक्की और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी लेकिन आप देखिए इसका टेस्ट और उसका देखने का ये बहुत अच्छा लगेगा आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिए तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए बहुत मतलब इंतज़ार कर रहे हो तो आप लोग सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा तो, तो फ्रेंड्स अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा तो फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ा सा दाल इसमें डाली थी जैसे कि डेढ़ कप के आसपास जो दाल मैं दाल दाल यूज करती हूँ ना जैसे कि दाल वगैरह उसी दाल को मैंने इसमें डाली थी टूअर दाल तो टुवर दाल और लकी क्योंकि घर पे जो अवेलेबल रहता है ना उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ तो मैं सोची थी कि आज ये बना लेती हूँ क्योंकि सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है मैं बोल रही हूँ जो नहीं खाने वाला होगा ना वो ज़रूर खाएगा तो प्याज को काट के रख दूँगी प्याज और तम, दो टमाटर इसमें डालूँगी और पता है आजकल मतलब टमाटर का थोड़ा सा जैसे कि भाव ज़्यादा है जिसकी वजह से टमाटर कोई चीज़ में डालने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है और ऐसा होता है ना और टमाटर के बिना कुछ होता ही नहीं और मेरे साथ तो मेरी घर में ऐसा ही होता है कि बिना टमाटर कोई चीज़ होता नहीं है लेकिन कोई जहाँ मैं दो तीन डालती थी ना तो वहाँ एक डालती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ मतलब डाल के बनाती ही हूँ तो आज मैं प्रेशर कुकर में ही बनाऊँगी तो आप लोग ज़रूर देखिए और लास्ट तक लास्ट तक देखिए और स्किप मत कीजिए और देख के ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक रहे बनी रहिए और देखिए पहले तेल डाल दी थी प्रेशर कुकर में और उसमें राई डाल दी थी राई मतलब पतला वाला राई मैं यूज करती हूँ जो भी बगाने के लिए रखती हूँ ना मैं पतला वाला राई यूज़ करती हूँ मोटा वाला राई सिर्फ पीसने के लिए जो भी सब्जी में डालना होता है ना सिर्फ पीसने के लिए ही यूज़ करती हूँ तो देखिए थोड़ा सा राई जैसे चटक गया ना उसके ऊपर मैंने प्याज डाल दी थी प्याज को ज़्यादातर नहीं भुनी थी थोड़ा मतलब दो चार मिनट ऐसे भुने ली थी और उसके ऊपर टमाटर डाल दी थी टमाटर के बाद हल्दी पाउडर और सूखा मिर्ची का पाउडर थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डाली थी और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है ना मैं पीस के रख देती हूँ क्योंकि सुबह मुझे काम करना होता है ना तो मुझे थोड़ा सा थो जल्दी में होता है तीन टिफिन बनता है और उसमें नाश्ता करके सब जाते हैं तो मुझे इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे रखती हूँ तो देखिए सब्ज़ी और डाल उसमें डाल दी थी और ऐसे अच्छे से भून ली थी और इसमें स्वाद के हिसाब से नमक और उसमें मैंने डाली थी जैसे कि और उसमें किचन किंग का मसाला भी डाल दी थी और कम से कम तीन सीट लगाई थी तीन सीट के बाद मैं साइड में रख दी थी क्योंकि मुझे रोटी बनाना था क्योंकि टिफिन के लिए पहले कृष्णा थोड़ा जल्दी में जाती है तो इसीलिए कृष्णा के लिए पहले बना लूँगी उसके बाद कृष्णा की पापा के लिए और भाई के लिए दोनों के लिए मैं बाद में बनाऊँगी और पहले कृष्णा के लिए बनाऊँगी तो बस थोड़ा जल्दी जल्दी में हूँ इसीलिए थोड़ा अच्छे से मतलब कोई दिख रहा है कि नहीं उतना पता नहीं चल रहा है मुझे तो फ्रेंड्स देखिए रोटी भी हो गया था और फ्रेंड्स मैं और एक बात भी बताऊँगी तो देखिए रोटी भी हो गया है और ये भी डाल देती हूँ और देखिए कैसा देखिए कितना पानी मैंने दी थी आपको पता है उसमें और उसी हिसाब से पानी इसमें ज़्यादा नहीं देना चाहिए जितना मैं पानी दी थी ना उसी हिसाब से और उसके बाद जैसे खुल जाता है ना उसका ढक्कन तो उसके थोड़ा टाइम के लिए चूल्हा में बैठने के लिए देती हूँ तो रोटी में घी भी लगा दी और कृष्णा की टिफिन तो रेडी हो गई और रेडी होने के बाद तो उसका अभी चले जाएगी स्कूल तो उसके बाद मैं अपना जो भी टिफिन वगैरह है करूँगी तो फ्रेंड्स देखिए कृष्णा भी चली गई थी और सबके लिए टिफ़िन भी बना दी थी तो सब लोग चले गए थे तो फ्रेंड्स झाड़ू बर्तन वगैरह सब रात को साफ करके रखी थी ना उसको रखने के लिए अगर ये सफ़ेद कलर का दो फनी उसमें डाली थी डाल रही ऐसे साइड में बर्तन की साइड में रखी हूँ ना उसमें एक सब बिस्किट वगैरह है और एक में कोथरी रखी हूँ फ्रेंड्स उसमें जहाँ जो भी है ना मेरे घर में कोई भी सामान मुझे रखने के लिए उतना ऐसे है नहीं और लकड़ी का ऐसे प्लेट में इसे डाल के इसमें डब्बा वगैरह रखती हूँ मसाला का नहीं तो ऐसे मतलब कुछ रखने के लिए सिस्टम रहता है ना उसे कुछ भी नहीं है इस घर में इसीलिए मुझे ऐसे थोड़ा सा इधर उधर रखना पड़ता है तो आप बताइए मैं इसे कैसे डेकोरेट कर सकती हूँ मैं सोच तो रही हूँ कि इसे थोड़ा सा डेकोरेट करके इसे थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए तो आप लोग ज़रूर बताइए कि कैसा बनाऊँ तो थोड़ा सा सब्जी था तो मैं अपने लिए दोपहर के लिए रख देती हूँ और बस सब कुछ बर्तन वगैरह जो है मैं लेके रख दूँगी क्योंकि किचन गंदा नहीं है क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर में सब्जी बनाई थी ना इसलिए कुछ नहीं सिर्फ थोड़ा सा डस्ट पड़ा था जैसे कि रोटी बनाई थी ना उसमें थोड़ा सा डस्ट पड़ा था आटा का और कुछ नहीं देखिए पूरा किचन क्लीन क्लीन ही है और ये भाई का टिफिन है साइड में रख देती हूँ और बर्तन वगैरह जितना है मैं लेके पीछे रख दूँगी और ये घर को झाड़ू लगा के ठीक कर लूँगी और उसके बाद आगे वाला घर क्योंकि गेलू ने उठा नहीं था और थोड़ा सा लेट में उठता है तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक घर का काम खत्म कर देती हूँ और पंखा बंद करूंगी तो वो थोड़ा जल्दी उठ जाएगा अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा उसे जल्दी उठाना मुझे सही नहीं लगता है तो सो रहा है तो उसे सोना ही देती हूँ तो बस ये घर झाड़ू लगा देती तो हूँ पोछा भी नहीं लगा पाती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि पोछा लगाऊँगी तो पूरा घर सूखता नहीं है और बहुत टाइम लगता है और घर में बच्चे रहने की वजह से इधर उधर भागने की वजह से थोड़ा सा गंदा हो जाता है और भी तो देखिए गेलू भी उड़ गया था और ये वो भी तकिया लेके ऐसे खेलने के लिए जा रहा था पर मैं बस चादर वगैरह उठा के ये सब ठीक कर लेती हूँ देखिए नीचे सब डाल दी क्योंकि वो चिप्स खाता है ना मैं थोड़ा सा चिल्लाती हूँ उसको क्योंकि वो चिप्स खाता है इसीलिए वो नीचे डाल दी ताकि मुझे पता ना चले और तकिया बकरा जो भी है उसे ठीक करके कर रख दूँगी और चिप्स सुबह उठते ही पहले चिप्स ही बोलता है कि मुझे चिप्स चाहिए पर क्या कर सकती हूँ इतना जिद हो गया है ना हर जिद बोलता है कि मतलब मुझे जो चीज़ चाहिए मतलब चाहिए तो फ्रेंड्स देखिए अभी सब कुछ है ना खटिया को अच्छे से थोड़ा सा सेट कर लूँगी तो नीचे से आलू और प्याज रखा हुआ है क्योंकि प्याज तो मतलब आलू तो ख़त्म होने को आया है क्योंकि अगले संडे को लेके आए थे अभी दस दिन मतलब दस दिन आसपास हो गया है तो आलू थोड़ा सा ही है तो देखती हूँ ये और ये घर को है ना अच्छे से साफ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि इसे साफ़ सफाई करने के बाद मुझे स्कूल भी जाना है कृष्णा की तो टीचर के साथ बात करना था तो मैं सोची जाके मिल लूँ तो क्योंकि बारिश का मौसम है कभी भी बारिश आ सकता है इसीलिए थोड़ा जल्दी जाके आ जाऊँगी नहा धो के दिया करके जल्दी जा कर आ जाऊँगी उसके बाद कपड़ा वगैरह साफ़ करूँगी तो गहलूँ कि भी नहीं लाऊँगी बाद में लेकिन मैं जाके आ जाऊँगी क्योंकि यहाँ का बारिश का कोई ठिकाना नहीं है अगर थोड़ा सा टाइम के लिए छूट रहा है तो उसी टाइम आप कोई भी काम कर सकते हैं नहीं तो कोई काम नहीं होगा और देखिए घर भी थोड़ा सा गिला गीला लगता है पैरों को भी लगता है झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू भी जैसे लग रहा है कि गीला हो रहा है इस तरह के हो जाता है घर और उसके ऊपर मैं क्या पोछा लगाऊंगी इस घर को तो मौसम में ऐसा है सूखा है थोड़ा सा बादल गिर है ले पर बारिश नहीं हो रहा है तो मैं जाके थोड़ा सा जल्दी एक बाहर का आंगन है ना इसे झाड़ू लगा दे दूँगी और उसके बाद चके नहा धो के चली जाऊँगी तो वीडियो पर बनी रहे फ्रेंड्स और कैसा लगा जरूर बताइए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर प्लीज प्लीज तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को फ्रेंड्स चलिए हो गया है और गेलू को लेके गई थी मैं बस स्कूल से आ रही थी मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो बना लूँ यहाँ और ये कृष्णा का स्कूल है और इंटरनेशनल स्कूल है और स्कूल चालू हो रहा है तो मैं जैसे घर पर थोड़ी देर के बाद देखिए कैसे बारिश चालू हो गया तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डर रही थी कि कैसे भी काम थोड़ा सा कम करके चली जाऊँगी लेकिन देखिए पूरी की बारिश की वजह से इतना मैं जब आई घर पहुँचने की दो चार मिनट भी नहीं हुआ था और ज़्यादा ही ज़्यादा बारिश हो रहा था तो मैं तो द्रियावती करके गई थी तो बस गहलू को नहीं नहलाया था तो इसे साफ़ को सफाई कर लेती हूँ और इसे कपड़ा भी पहना लूँगी और कपड़ा भी साफ़ कर दी ना उसे बाहर डाल दूँगी सूखने के लिए तो चलिए फ्रेंड्स देखिए उसे भी और उसको कभी भी मतलब ऐसे जब भी इसे कपड़ा पहनाती हूँ या फ्रेश मतलब पाउडर वगैरह ऐसे साफ़ सफाई करती हूँ तो ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती उसका चालू रहता है और बच्चे लोग तो मस्ती करते ही रहते हैं और अकेले रहता है ना अभी बारिश की वजह से उस बाल मंदिर नहीं जा पाता है तो घर पे ही रहता है तो मतलब थोड़ा सा धमाल तो होता ही है तो देखिए उसका भी मतलब ठीक करके रख दी उसको और उसका बाल भी मतलब ऐसा लगता है ना पूरा आगे की तरफ आ जाता है तो उसका मस्ती चालू है बस में कोई भी चीज़ हो बस पेपर चाहिए सुबह और मैगी चाहिए बस चटपटा ऐसा चीज़ चाहिए और कोई खाने के लिए उसे रोटी सब्जी वगैरह देंगे ना तो उसका नखरा चालू हो जाता है और देखिए किस तरह के कर हो रहा है तो फ्रेंड्स देखिए और मैं जा रही हूँ कपड़ा डालने के लिए क्योंकि कपड़ा भी थोड़ा सा बाहर भी डाल दूँगी बारिश भी हो रहा है और कपड़ा भी डालना ज़रूरी है तो कपड़ा डाल देती हूँ सूखने के लिए तो चलिए फ्रेंड्स देखें बारिश भी हो रहा है बारिश होते भी क्या कर सकते बाहर हमारे यहाँ थोड़ा सा इतना तो मतलब है जगह है कि मैं उसमें कपड़ा डाल सकती हूँ नहीं तो हर रोज़ इतना सारा कपड़ा निकलता है ना ओ डालने के लिए अगर इतना भी नहीं होता तो डालने के लिए भी जगह नहीं मिलता तो वो देख सकते हैं बाहर का इतना थोड़ा सा है कि इसे डाल सकते हैं तो बस इस तरह के बाहर कपड़ा में डाल देती हूँ और फिर तो बारिश की वजह से भी तबीयत भी ठीक नहीं रहता है क्योंकि बारिश से इस तरह कम से एक महीने के आसपास हो गया है अच्छे से सूरज भी नहीं निकलता है और ऐसा कहते हैं ना कि सूरज की थोड़ा सा भी किरण अपने शरीर में आता है ना तो सुकून मिलता है ज़्यादा नहीं थोड़ा सा लेकिन ऐसे पंद्रह बीस दिन तक एक महीने तक इस तरह अगर बारिश रहता रह, रहेगा तो शरीर में थोड़ा सा तो फर्क आने लगेगा तबीयत तो खराब ही होगा क्योंकि अभी भी इसमें गेलू और कृष्णा दोनों ही बीमार पड़ गए थे तो बस देखिए बाहर का कपड़ा सब डाल रही हो और वीडियो को तो यहीं पर रखूँगी और प्लीज़ लास्ट तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ और प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को तो आप किस कैटेगरी में वीडियो बनाना में आपको पसंद है तो आप लोग ज़रूर बताइए और तो फ्रेंड्स लास्ट तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद और थैंक यू बारिश तो हो रहा है वो तो ऐसे ही पूरा दिन चलता रहेगा तो चलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो पे यहीं पर रखती हूँ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सबको धन्यवाद और थैंक यू